आई वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यूल वेल न्यूर मारे आई मेक वीडियोज ऑन मेकअप फैशन एंड लाइफ स्टाइल सो आई एम बैक विद अन रिव्यू एंड टूडे आई एम गोइंग टू रिव्यू अ मेकअप प्रोडक्ट विच इज मस्कारा एंड इस वीडियो में मैं दो ब्रांड की मस्कारा रिव्यू करूंगी उनका आपस में कंपेरिजन भी करूँगी एंड दोनों ब्रांड है एक तो मास्क कॉस्मेटिक दूसरा इनसाइड कॉस्मेटिक अच्छा मैं आपको बता दूँ कि मैंने इन्हीं दोनों ब्रांड को क्यों चुना क्योंकि सम हाउ मुझे ये दोनों ब्रांड सिमिलर

मार्स कॉस्मेटिक में ही ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनका मैं, मैं बता ही नहीं सकती मतलब जिनकी जितनी भी तारीफ करो ना कम है और प्राइस इनके हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी टू हंड्रेड ऐसे ही होते हैं सो so, मुझे लगा कि मुझे दोनों ब्रांड से एक एक प्रोडक्ट पिक करना चाहिए एंड उनका रिव्यू कंपेरिजन दोनों आपके साथ आ, शेयर करना चाहिए सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस प्रोडक्ट देन प्लीज कीप ऑन वॉच ऑल राइट गाइज तो हम स्टार्ट करेंगे मार्स कॉस्मेटिक से और ये है मार्स कॉस्मेटिक का फेबुलैस मस्कारा जिसका प्राइस है वन नाइनटी नाइन रुपीज जिसमें आपको मिलेगी ट्वेल्व एम एल की क्वान्टिटी और जिसकी सेल्फ लाइफ है फोर ईयर्स की बट मस्कारा अगर आपने एक बार ओपन कर दिया है तो आप उसको सिक्स मंथ के अंदर अंदर ही यूज़ कर लें या बहुत हो गया तो एक साल के अंदर उसको यूज़ कर लें इससे ज़्यादा आपको ओपन करने के बाद यूज नहीं करना है वो अच्छा नहीं होता है और कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड की आउटर पैकेजिंग में ये रिसीव होता है सारी डिटेल इसके आउटर पैकेजिंग के बैक पर मिल जाएगी लाइक like इसकी सेल्फ लाइफ प्राइस एवरीथिंग और अगर बात करें इसकी इनर पैकेजिंग की तो इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से है इसकी इनर पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा क्लासिक है और लग्जूरियस सी है गोल्डन एंड ब्लैक है जैसे ये रोज़ गोल्ड है पूरा गोल्ड नहीं है और यहाँ पे ब्रांड का नाम मेंशन है इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो मुझे कहीं ना कहीं मिबलिन के हाइपर कर्ल मस्कारा जो है उससे इंस्पायर्ड लग रही है और ओपन करने के बाद इसका जो बॉन्ड है ना वो कुछ इस तरह से है यू कैन सी थोड़ा सा ज़्यादा थिक है एंड इसमें कर्व है इस तरह से आप देख सकते हैं और इसके जो ब्रिसल्स हैं ना वो भी थोड़े से थिक हैं लाइक काफ़ी ज़्यादा थिक है एंड इसका वॉन भी काफ़ी ज़्यादा थिक है थोड़ा सा कर्व है आपने देख लिया है एंड अब हम बात करेंगे दूसरे मस्कारे की दूसरा है ये इनसाइड कॉस्मेटिक का मस्कारा और इसका जो प्राइस है ना वो वो है वन फिफ्टीन रुपीज़ मतलब वो वन नाइन्टी नाइन का था और ये एक सौ पंद्रह रुपये का है जिसमें आपको मिलेगी नाइन एम की क्वान्टिटी और जिसकी सेल्फ लाइफ है थ्री ईर्स की कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड की आउटर पैकेजिंग में ये आपको रिसीव होगा गोल्ड एंड ब्लैक कलर की इसकी आउटर पैकेजिंग है और इसकी इनर पैकेजिंग है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है ये yes, इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो ब्लू कलर की है और इस तरह से इसकी कैप में ना आपको दो तरह के कॉम मिल जाएंगे आई लैशेज कॉम है जिससे आप अपनी लैशेज को कॉम कर सकते हैं एंड दूसरी तरफ ये ब्रश है जिससे think, आई थिंक आप आईब्रो को भी ब्रश कर सकते हैं बट ये कॉम जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है इसके ब्रशेज़ तो आपकी लैशेज़ अगर छोटी छोटी हैं मेरी तरह तो उसमें बिल्कुल भी यूज़लेस हैं और ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं आईब्रो के लिए बट ये ब्रश भी इस तरह से देख रहे हैं ना आप नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है क्योंकि इसके जो कैप में ना स्पेस कम है जब आप ऐसे लगाओगे ना तो ये अपने आप ही मुड़ जाता है राइट अच्छा इसकी जो पैकेजिंग है वो थोड़ी सी लग रही है चीप जैसे कि वन फिफ्टीन जैसे भी हम जब जो भी यू you नो know, सस्ता प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी जो वो पैकेजिंग होती है ना थोड़ी सी लगती है वैसे तो वैसी इसकी पैकेजिंग लग रही है इसमें कुछ भी खास बात नहीं है भले ही इन्होंने इसमें इतनी मेहनत की है अच्छा मैं आपको बताऊँ कि इन साइड कॉस्मेटिक में और भी एक या दो मस्कारा है जिनका प्राइस 125 है 30 है या 200 के अंदर ही है मैंने इसको इसलिए सेलेक्ट किया मार्स के मस्कारा से कंपेयर करने के लिए क्योंकि मैंने इसके रिव्यू देखे ना तो सबसे अच्छे थे और इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसका वॉन्ड जो है मैं आपको दिखा दूँ कुछ इस तरह से है बीच में थोड़ा सा थिक है और फिर इस तरह से यू you नो know, एक इस तरह से है जैसे ग्लास बोल सकते हैं ग्लास से शेप बोल सकते हैं कुछ पैसा सा है ये देख सकते हैं आप और इसके जो ब्रिसल्स हैं वो थोड़े नज़दीक नज़दीक हैं थोड़े सॉफ्ट भी हैं थोड़े पतले भी हैं सो so, दोनों की पैकेजिंग के बारे में तो हमने बात कर ली अब हम दोनों को अप्लाई करके भी देख लेते हैं मार्स वाले को मैं इस तरफ अप्लाई करूँगी और इनसाइट को मैं इस तरफ अप्लाई करूँगी एंड आपको डिफरेंस आराम से दिख जाएगा सबसे पहले मैं मार्क्स को अप्लाई कर लेती हूँ अच्छा अगर मार्स कॉस्मेटिक के मस्कारे की कंसिस्टेंसी की बात करें तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा थिक एंड क्रीमी है जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाता है एंड लैशेस को वॉल्यूम प्रोवाइड करता है बट अगर इनसाइड कॉस्मेटिक मस्कारे की कंसिस्टेंसी की बात करें तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी है मतलब बहुत ही पतली सी है और इसमें एक अजीब तरह की फ्रेगरेंस है लाइक जो केमिकल बेस्ड फ्रेगरेंस होती है वैसी सो so, हमने अप्लाई करके भी देख लिया और इसका रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है तो अब हम इन दोनों मस्कारे के प्रो एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे मास कॉस्मेटिक के बारे में इसका जो प्राइस है 199 है बट ये आपको वन फिफ्टी या वन सिक्सटी में आराम से मिल जाएगा और इस प्राइस रेंज में इससे अच्छा मस्कारा नहीं मिल सकता और अगर मिल सकता है आप उसके बारे में जानते हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मैं उसको डेफिनेटली ट्राई करूँगी दूसरा जो इसका प्रो है वो है इसकी पैकेजिंग इसकी पैकेजिंग बिल्कुल भी ऐसी नहीं नहीं लगती कि आपने कोई अफोर्डेबल सा मस्कारा ले रखा है काफी लग्जोरियस इसकी पैकेजिंग है तीसरा जो इसका प्रो है वो ये है कि जब आप इसको रिमूव करेंगे ना तो ये फैलता नहीं है कुछ मस्कारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक आपकी पूरी आंखों के आसपास फैल जाते हैं ऐसा नहीं है ये थोड़ा सा कैसे मैं बताऊं रबर की तरह निकलता है मतलब ये पील ऑफ होता है तो बिल्कुल भी फैलेगा नहीं अगर इसके ऊपर पानी वगैरह भी गिर गया गलती से अगर आप बारिश वगैरह में भीग गए तो वो बिल्कुल आपकी आइज को पांडा आइज नहीं कर देगा और जो चौथा प्रो है वो ये है कि आपकी ये लैशेस को लेंथ प्रोवाइड करता है साथ के साथ वॉल्यूम प्रोवाइड करता है एंड आपकी लैशेस को ये कर्ल भी करता है इधर जो है वो यही वाला मस्कारा है फिलहाल अभी मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि अभी मैंने इस तरफ भी इसी को अप्लाई कर लिया था क्योंकि अजीब सी लग रही थी दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस था मुझे अच्छा नहीं लग रहा था सो ये काफ़ी सही मस्कारा है अगर आप बिगनर हैं या अगर आप बिगनर नहीं भी हैं तो भी आप इसको आराम से ट्राई कर सकते हैं और अगर बात करें कॉन्स की तो इसके दो तीन कौन्स हैं जो कि एक तो इसका जो वॉन्ड है जो इसका एप्लीकेटर है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है जिससे अपर लैश लैशेज में तो अप्लाई करने से प्रॉब्लम नहीं होती बट लोअर लैशज में जब आप अप्लाई करेंगे तो डर रहता है कि कहीं स्किन पे ना लग जाए लेकिन अगर आप मस्कारा अप्लाई करने में प्रो हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइक मी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट हाँ बिगनर का थोड़ा सा इशू हो सकता है दूसरी चीज़ कि इसमें थोड़ी सी क्लम्पीनेस है कि अगर आप यू नो दो तीन कोट इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी लैशेस को ये क्लम्पी बना देगा इसलिए थोड़ा सा केयरफुली इसको अप्लाई करना है पहला कोट अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लें या अपनी लैशेस को थोड़ा सा कॉम कर लें एंड उसके बाद दूसरा इसका कोट अप्लाई करें तो ये दोनों कॉन्स इसमें हैं बाकी मुझे इसमें कोई भी कॉन नहीं नज़र आया और अब बात कर लेते हैं इनसाइड कॉस्मेटिक की तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इसकी पैकेजिंग बिल्कुल ही बिल्कुल ही यू नो चीप प्रोडक्ट की जैसी पैकेजिंग लग रही है कलर भी ब्लू कलर दिया है आई डोंट नो मस्कारे में ब्लू कलर का क्या काम है दूसरी चीज की इसको जो ये दोनों ब्रश एंड ये कॉम दी हुई है ये दोनों यूजलेस हैं ट्रस्ट मी ये दोनों यूजलेस हैं भले ही वन हंड्रेड फाइव रुपीज में या फिफ्टीन रुपीज में है और हो सकता है कि अंडर हंड्रेड भी मिल जाए बट यहाँ पे बात एक्सपेंसिव एंड क्या बोलते हैं अफोर्डेबल की नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है कि आप जो पे कर रहे हैं यू नो वो कितना वर्थ करता है राइट सो so, ये दोनों चीज़ हो गई ये मैं प्रो बता रही हूँ या कौनस बता रही हूँ मुझे नहीं पता है इसलिए प्रोज़ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया सो so, ये दोनों कौनस हैं तीसरा जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा हाँ इसको आप एवरी डे बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज एवरी डे भी क्यों इसे यूज़ करना आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों के प्राइस में तो अगर मैं रिकमेंड करूँगी तो मैं इसको बोलूँगी कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए और ये मस्कारा सच में बहुत ही अच्छा है इस प्राइज रेंज में और दोनों मस्कारे के लिंक मैं अपने प्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर देना बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर